Hello students, you are welcome in classes of common class of English grammar. This is part 6 to 8, moreover 9, 10th, 11th, 12th. Those students who want to study about this, they can fit for this class. Right? Now I am going to tell you about the change the following sentences according to bracket. You can look at ये देख रहे हो आप ब्रैकेट में देख रहे हो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं यहाँ ब्रैकेट में देख रहे हैं ये ब्रैकेट में देख रहे हैं ये ब्रैकेट में देख रहे हैं यहाँ देख रहे हैं इससे भी आप देख लीजिए हुस आर दिस क्वेश्चन इसको आप नेगेटिव में बना लीजिए तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि आप इसको बनाना है चेंज करना है ब्रैकेट के अनुसार आपको बदलना है यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट अब ये पहला वाक्य क्या है आई डू माई वर्क आई डू माई वर्क माई डियर स्टूडेंट ये आपको सबसे पहले जानना होगा कि यह किस टेंस का वाक्य है इस क्लास से हम आपको दो तीन बिंदुओं तक ले जाने का प्रयत्न करूंगा आपको वहां तक पहुंचाने का कि आप ये जाने कि करना क्या है और दूसरा जो है कैसे करना है और तीसरा जो है ये है क्या चीज ठीक है तो आपको देखना होगा ये वाक्य है दिस इज सेंटेंस आई डू माई वर्क अब ये आप जाने कि ये सेंटेंस है तो ये कौन सा सेंटेंस है तो एसर्टिव सेंटेंस है इसको किस में बदलना है तो नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है अब ये सेंटेंस किस टेंस का है इसे भी जानना है तो अब जो विद्यार्थी टेंस को नहीं जाना है तो वह कोशिश अब करे क्योंकि ये कॉमन क्लास है यह कॉमन क्लास है और कॉमन क्लास में 6, 7, 8, 9, 10 जिनको नया है समझ में तो वह सभी लोग इस क्लास को देख करके यहां पे जो पढ़ाया जा रहा है समझाया जा रहा है आपको उसे समझ करके कर सकते हैं तो आई डू माई वर्क यह है बिल्कुल प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का यह सेंटेंस है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस अब इस टेंस को आपको बदलना किसमें है नेगेटिव में तो आप सबसे पहले क्या जानेंगे आई क्या है यह सब्जेक्ट डू आई डू माई वर्क ये डू क्या है मेन वर्क और माई वर्क क्या हो गया यह है ऑब्जेक्ट तो आई डू माई वर्क इससे मैं और अभी आपको चीजें बता सकता हूं कि यहां आई को छोड़कर के जो पार्ट है उसको प्रेडिकेट पार्ट कहते हैं और आई जो है ये सब्जेक्ट है तो ये वाक्य के जो पार्ट होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो यह भी आप यहां से सीख सकते हैं कि आई करता है तो सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद के जो भाग हैं वो प्रेडिकेट है सब्जेक्ट को कहते हैं हम कर्ता या उद्देश्य और प्रेडिकेट को कहते हैं विधेय तो ये कॉमन क्लास है इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकेगा आप ये जाने तो अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस का बनाना है तो आप सीधे सीधे आई डू माई वर्क का नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा आई डू नॉट बहुत बच्चे क्या करते हैं आई डू लिख देंगे और उसके बाद नेगेटिव में लगाना है तो नॉट लगा देंगे आई डू नॉट कर देंगे लेकिन वो गलत हो जाता है ये हमेशा ध्यान में रखें कि आई हमने लिखा सब्जेक्ट और डू नॉट उसका नेगेटिव फॉर्म हो गया और फिर उसके बाद लगाते हैं मेन वर्ब तो मेन वर्ब क्या हो जाएगा ये डू हो जाएगा क्योंकि यहां पे भी ये मेन वर्ब ही है तो आई डू माई वर्क आई डू नॉट डू माई वर्क तो ये आपका हो गया चेंज परिवर्तन है ये ठीक है आई डू माई वर्क आई डू नॉट डू माई वर्क यानी ये नेगेटिव सेंटेंस में बदल गया ठीक दूसरा वाक्य देखिए यू हेल्प मी आप मेरी मदद करते हैं आप मेरी मदद करते हैं इस वाक्य को बदलना है इंट्रोगेटिव में तो आप जानेंगे सबसे पहले कि यू हेल्प मी किस टेंस का वाक्य है तो आप टेंस कंफर्म है या टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो आप इसको जब बदलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उस टेंस की सहायक क्रिया को याद रखेंगे ये जरूरी होता है टेंस की हर टेंस की सहायक क्रिया को जानना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डू और डज होती है ठीक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हैज बीन होता है तो माय डियर स्टूडेंट
आपको टेंस जानना है और उस टेंस की सहायक क्रिया को भी जानना है, ये नितांत आवश्यक है। अगर जब तक ये आप नहीं जानोगे तो मैं जहां तक समझता हूं कि आप अंग्रेजी में कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इसे जानने के लिए आप थोड़ा सा पीछे अध्ययन भी करिए, पीछे किताबों को देखिए, क्लासेस की बहुत सी पुस्तकें आप लोगों के पास होंगी पिछले क्लासेस की, उन किताबों को पढ़ जाएं और फिर उसके बाद इस पर अभ्यास करें तो यू हेल्प मी हो जाएगा ये आपका। डू यू हेल्प मी, डू यू हेल्प मी, ये क्वेश्चन मार्क लगाएं। पंक्चुएशन का भी ध्यान में रखें क्योंकि पंक्चुएशन आवश्यक होता है, हम वाक्य कैसा बनाना चाहते हैं ये सब उसमें सारी चीजें मिल जाती है। डू यू हेल्प मी, डू क्या है, डी ये कैपिटल लेटर, ये पंक्चुएशन का एक पार्ट है। जब हम वाक्य पहला बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं तो उसका पहला जो अक्षर होता है, शब्द का पहला जो अक्षर होता है वह हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, तो इसलिए डी कैपिटल हो गया। तो डू यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करते हैं। फिर अगला देखिए, शी डिड हर वर्क, शी डिड हर वर्क, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। शी डिड यानी उसने किया हर वर्क अपना काम, इसको बदलना है आपको बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो हम सीधे समझे कि यह पास्ट डेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया तो इसका हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, ये हो जाएगा माय डियर, ये डिड हो गया। तो डिड सी, अब देखो डिड लग गया, फिर कर्ता लग गया, फिर उसके बाद मेन वर्ब आ जाता है। मेन वर्ब क्या हो जाएगा, ये डिड मेन वर्ब में ही है लेकिन यह पास्ट में है, तो इसका हम जब पास्ट इंडेफिनिट का बनाते हैं इंट्रोगेटिव बनाए या अफर्मेटिव बनाए तो ध्यान रखेंगे क्रियाओं का, उसमें ध्यान देते हैं, तो यहां डिड के साथ क्या लगेगा, मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी। तो डिड सी डू हर वर्क, यहां पे भी क्या करना है, इंट्रोगेटिव में बदलना है, इसलिए हम यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलेंगे, ये पंक्चुएशन पार्ट होता है, राइट। आगे देखिए, ही रोट ए लेटर टू हिज फादर, ही रोट उसने लिखा अ लेटर एक पत्र टू हिज फादर अपने पिता को, इसको किसमें बदलना है, नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो आप ये सेंटेंस जाने कि ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब जो है अफर्मेटिव में है और ये टेंस के रूप में यदि हम जाने तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम नेगेटिव फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए नेगेटिव फॉर्म होता है डिड नॉट, तो यहां पर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ही डिड नॉट राइट, डब्ल्यू आर आई टी, ही डिड नॉट राइट A letter to his father, ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ये छोटे बच्चों के लिए स्पेशली मैंने क्लासेस तैयार किया कि बच्चे बहुत से होते हैं जो पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई भी पूछ देता है अकेडमिक तौर पे कि इसका जरा चेंज बताओ, तो जब तक बच्चे को टेंस का ज्ञान नहीं होता है, टेंस के सहायक क्रियाओं का ज्ञान नहीं होता है, तब तक वह नहीं कर पाता है। इसलिए इस पार्ट को पूरा कवर करने का कोशिश करेंगे। ये कॉमन क्लासेस, ये 6 to 8 जो मैंने दिया है, ये कॉमन क्लास बना दिया इंग्लिश ग्रामर का। ये ऐसा नहीं कि केवल 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, ये उन विद्यार्थियों के लिए भी कंपलसरी ही समझे जिन्हें नहीं आता है, वे कोशिश करेंगे। अगला है मोहन सॉल्व्ड हिज क्वेश्चन, मोहन ने हल किया हिज क्वेश्चन अपने प्रश्नों को, तो इसको बदलना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप इसको भी देख सकते हैं कि ये सॉल्व्ड जो क्रिया है, ये क्रिया सेकंड फॉर्म में है, तो जब सेकंड फॉर्म में क्रिया होती है तो ऑब्वियसली वी शुड नो कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम सबसे पहले किसको ले आते हैं, डिड को लाते हैं, तो हो जाएगा डिड मोहन सॉल्व्ड सेकंड फॉर्म में है। जब डिड लग जाता है तो माय डियर स्टूडेंट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है, इसे हमेशा याद रखें। तो डिड मोहन सॉल्व हिज क्वेश्चंस, क्यू यू ई एस टी आई ओ एन एस, स्पेलिंग क्लियर रखें और ये आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, राइट। अगला देखिए, ही टेल्स अ लाई, ही टेल्स अ लाई, अब ही टेल्स अ लाई, ही स्पीक्स द ट्रूथ, ये वाक्य होते हैं और ये टेंस अगर मेन वर्ब में यस या यस आ जाता है तो याद रखें ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। अगर इसे आप नेगेटिव बदलते हैं तो डज नॉट का यूज करेंगे, यहां सब्जेक्ट के अनुसार अगर आई रहता
तो डू नॉट का होता, तब यहां मेन वर्ब टेल रहता। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, आप इस पे थोड़ा सा ध्यान रखें तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि अगर कहीं से आपका कंफ्यूजन कुछ होगा तो यहां वीडियो को आप बार बार देख करके उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो माय डियर, ही टेल्स अ लाइक अ नेगेटिव सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो ही के साथ क्या लगता है, सहायक क्रिया डज, और उसके साथ नेगेटिव वर्ड आ जाता है डज नॉट, तो ही डज नॉट। अब फिर उसके बाद मेन वर्ड आ जाता है। अब ये नहीं कि कुछ बच्चे उसमें टेल से लिख देते हैं, वो गलत है, टेल आ जाएगा, यस हट जाएगा, यस या यस हट जाता है जब डज का यूज हो जाता है या डू का यूज हो जाता है। तो ही डज नॉट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलता है, ही डज नॉट टेल ए लाई। नाउ हु शॉल्व दिस क्वेश्चन, हु शॉल्व, हु मीन्स कौन, शॉल्व मीन्स हल किया, दिस क्वेश्चन मीन्स यह प्रश्न, इसको बदलना है नेगेटिव। अब आइए देखते हैं इसको कैसे हम बदलते हैं। अब सॉल्व यहां पे आप देखेंगे, सॉल्व क्या शो कर रहा है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, ये सेकेंड फॉर्म है। अब सेकेंड फॉर्म, जब क्रिया सेकेंड फॉर्म होती है तो वह टेंस में पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। तो माय डियर, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसको नेगेटिव बनाना है। तो जाहिर सी बात है कि हु के साथ अब यहां पे क्या लग जाएगा, डिड नॉट लग जाएगा। तो हु डिड नॉट, हु डिड नॉट सॉल्व, हु डिड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन। अब इसका ये नेगेटिव होगा, तो हु डिड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब जैसे कभी कभी क्वेश्चन कर देते हैं, पूछते हैं कि हु डिड दिस वर्क, तो अगर बच्चे से पूछा था कि यह कार्य किसने किया, तो बच्चा कहता कि मैंने किया, तो वहां पे क्या लगा देते हैं, आई डिड। अगर वही कहता कि मैंने नहीं किया तो क्या लगाते हैं, आई डिड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई डिड नॉट डू दिस वर्क, आई डिड नॉट डू दिस क्वेश्चन। तो आप आंसर देने में ये करें, लेकिन कहने का मतलब जब इसका आपको नेगेटिव बनाना हो तो हु डिड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन आप लिखेंगे। इस प्रकार से ये आपको, ये कॉमन क्लास के अंदर आप सीखने की कोशिश करेंगे। अभी ये तो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित ये कुछ वाक्य थे, इस पर अभ्यास करें, इस पर आप खुद वाक्य कुछ बनाइए और उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश करें, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो भी अभिभावक ये चीजें बता सकते हैं अपने विद्यार्थियों, अपने बच्चों को, तो वे जरूर उनके साथ जुड़े और जुड़ करके उनसे क्वेश्चन आंसर करते रहें, उसका लाभ उन बच्चों को बहुत ज्यादा मिलेगा। और जो ये सहयोग होगा उस अभिभावक का उस बच्चे के प्रति, वह सर्वदा बच्चा जो है उस अभिभावक का आभारी रहेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी का गुरु बन सकता है, लेकिन वास्तव में वह जानकारी रखे। तो इस तरह से यह आपके लिए आज कॉमन क्लास का मैं नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी के आधार पर आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव से पैसिव, ये सब बनाने को परीक्षाओं में आता रहता है, सीखने के लिए उपयुक्त है, आप सीखें। धन्यवाद।